दोस्तों अभी एक फ़ोनपे पर प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना फ़ोनपे को ओपन करता हूँ। जैसे आप अपना फ़ोनपे को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ तरह यहाँ पर ओपन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अनेबल टू प्रोसीड कुछ टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम शो होता है, और गाइस यहाँ पर अपना फ़ोनपे ओपन नहीं हो पाता है। तो गाइस आप कैसे, जैसे कि यहाँ पर फ़ोनपे को ओपन कर सकते हो, यहाँ पर आपका भी कुछ अनेबल टू प्रोसीड का मैसेज शो होता है, और गाइस नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो रीट्राई और गाइस कॉन्टैक्ट सपोर्ट का मैसेज मिलता है। तो गाइस आपको यहाँ पर रिट्राई के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो गाइस फिर से वही, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से अनेबल टू प्रोसीड कुछ टाइप का प्रॉब्लम शो होता है, और गाइस यहाँ पर फोनपे ओपन नहीं हो पाता है। तो गाइस आपके साथ भी कुछ टाइप का प्रॉब्लम शो हो रहा है, यहाँ पर फोनपे ओपन नहीं हो पा रहा है, तो गाइस आप कैसे ओपन कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है कुछ तरह। जैसे आप एप्लीकेशन को क्लोज करते हो, क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो गाइस जो भी सेटिंग है उसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ऐप्स मैनेजर या तो डिफॉल्ट ऐप्स कोई भी मिल जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर फ़ोनपे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोनपे के ऊपर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद कुछ आ जाएगा, तो गाइस फोर स्टॉप मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको फोर स्टॉप करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे या ऊपर कहीं पर भी आपको जैसे कि यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, तो गाइस मेरा यहाँ पर स्टोरेज यूजेस है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइस आपका ऑलरेडी लॉग आउट है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी फ़ोनपे है वो लॉग आउट है। तो गाइस आप क्लियर डाटा कर देना डायरेक्टली, क्लियर कैचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लॉग इन है तो गाइस आप क्लियर कैचेस करना, कुछ इतना करने के बाद इसको क्लोज करना है। और गाइस उसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, तो गाइस क्या है मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस जो भी आपका इंटरनेट मोबाइल डाटा जो भी है, तो गाइस वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, उसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर वन प्लस का हॉटस्पॉट यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस जो भी इंटरनेट है वो आपको अच्छे से कनेक्ट करना है इंटरनेट को, और गाइस इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद जैसे कि आपका जैसे यहाँ पर इंटरनेट अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा है, तो गाइस आपको क्या करना, सिंपल सा प्ले स्टोर में जाके फ़ोनपे को अपडेट करना है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम इसके कारण भी आता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके आपको फ़ोनपे सर्च कर देना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ओपन आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है। तो गाइस आप डायरेक्टली अपना फ़ोनपे को यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ोनपे को ओपन करता हूँ, आप अपडेट कर देना फ़ोनपे को। जब अपना फ़ोनपे को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ तरह यहाँ पर फ़ोनपे ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर अंडर टू प्रोसेस कुछ टाइप का प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन अब देख सकते हो अभी यहाँ पर मेरे को लॉग इन इन टू फ़ोनपे कुछ तरह देख सकते हो। तो गाइस डायरेक्टली यहाँ पर मैं अपना नंबर टाइप करके प्रोसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मेरा फ़ोनपे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपके साथ भी कुछ तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइस आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर अंडर टू प्रोसेस कुछ टाइप का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी जैसे यहाँ पर मेरे को फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस आप कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो।